बड़े डायल वाली वॉचेस है वो अवॉइड करिए, आपकी रिस्ट को पतला दिखाएगा। लेकिन सही कॉलर्स पहने आपने ब्रॉड और अच्छा दिखाएगा, वो आपका जो चेस्ट एरिया है उसे और धसा हुआ दिखाएगा। एक्स्ट्रा टाइट स्किनी या बॉडी हगिंग, ऊपर बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा थिकनेस वॉल्यूम, जैसे कि आपके हिप्स हो गए वो ऑलरेडी बहुत पतले हैं, लीन है, वो ऐसे कपड़े पहनने से बिल्कुल बॉडी फ्लैट लगती है, आपको इजीली मिल जाएंगे इसके। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal edit. आज का टॉपिक है स्किनी यानी कि पतले, स्लिम, थिन गाइस के फैशन के बारे में। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पतले होते हैं। सबसे पहले अपने आपको अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। स्किनी बॉडी टाइप इज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी टाइप, और मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वो क्या हैक्स है, क्या तरीके हैं कि वो कपड़ों से आप अपनी बॉडी टाइप को एनहेंस करें, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होते, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई मॉडल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं है। जो कभी थोड़ी सी नेगेटिव चीजें हैं बॉडी में उसको कैसे छुपाएं कपड़ों से, और जो आपका स्किनी बॉडी टाइप है उसको कैसे एनहेंस करें, आइए बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको एक्स्ट्रा टाइट स्किनी या बॉडी हगिंग कपड़े नहीं पहनने। क्यों? क्योंकि जो आपका लीन स्ट्रक्चर है, जैसे कॉलर बोन है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे वो चिपक जाता है, आपकी जो वीकनेस है उसे और पतला दिखाता है, हमें उसको एनहेंस करना है, इसलिए सीख रहे हैं हम फैशन हैक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेट फिट प्रेफर करेंगे, इवन स्लिम फिट विल डू, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइट एक्स्ट्रा स्किनी है वो वाले फिट्स आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। मेरे पतले दोस्तों, जो कॉलर है वो गेम चेंजर है, आपके दोस्त हैं, लेकिन सही कॉलर्स पहने आपने तो वो आपको बहुत ब्रॉड और अच्छा दिखाएगा। अगर आपने वी नेक पहना वो आपका जो चेस्ट एरिया है उसे और धसा हुआ दिखाएगा, काटता है वी नेक। आपको कौन से नेक्स पहने हैं जो आपको थिकनेस देंगे चेस्ट एरिया में, अपर एरिया और चौड़ा दिखाएंगे, वो होता है बेसिकली जिप वाला कोई नेक, या कोई पोलो टी शर्ट, या कोई क्रू नेक, या टर्टल नेक्स। ये हैं आपके दोस्त जो आपका थिक करते हैं फ्रेम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या, अगर एक कपड़े के ऊपर दूसरा लगाऊंगा तो वो अलग अलग लेयर्स हो गई। मतलब लेयर कर क्या रही है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर रही है आपके ऊपर बॉडी के ऊपर, एक्स्ट्रा थिकनेस वॉल्यूम ब्रॉडनेस, आपका फ्रेम अच्छा दिखा रही है। तो लेयरिंग आपका दोस्त है दोस्तों। वो करेंगे कैसे, जैसे कि लेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो नीचे वाली लेयर होगी, मान लीजिए अगर आप समर में लेयरिंग कर रहे हैं तो आप गंजी पहन सकते हैं, बेसिक टी शर्ट्स पहन सकते हैं, उसके ऊपर डेनिम शर्ट या प्लेन कॉटन शर्ट्स पहन सकते हैं, आप ऐसे लेयरिंग कर सकते हैं समर में। लेकिन रूल क्या है, नीचे की जो लेयर होती है वो पतले फैब्रिक की होती है, ऊपर की जो लेयर होती है कैन बी ऑफ मोटा फैब्रिक। विंटर में भी आप लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेजर्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, जैकेट्स हो गई, ओवरकोट्स हो गए, आप ये चीजें पहन सकते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा वॉल्यूम ऐड करेंगे और स्ट्रक्चर दिखाएंगे वेरी वेरी बेटर। CDGFT फैब्रिक्स अब आप बोलेंगे ये क्या कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, आपको फैब्रिक से क्या समझ आता है कपड़ा। अब इसको इजी भाषा में डिवाइड करूंगा, एक है आपके जो फ्रेंड्स है फैब्रिक, वो क्या है जो आपकी बॉडी को वॉल्यूम देते हैं, थिकनेस देते हैं, आपके स्ट्रक्चर को और बेटर दिखाते हैं, और एक है जो बिल्कुल दुश्मन है, जैसे कि सिल्क हो गया। अब वर्कआउट करते हुए कोई फैब्रिक पहनते हैं जो बॉडी से बिल्कुल चिपक जाता है, जो बहुत पतले फैब्रिक होते हैं, खुद में जान नहीं होती, आपके शोल्डर्स को फ्रेम नहीं दे पाते, वो और चिपका देते हैं, वो फैब्रिक्स आपको अवॉइड करने हैं। CDGFT का मतलब क्या होता है, कॉर्डरॉय हो गया, डेनिम हो गया, ग्लेनचेक हो गया, आपका ट्वीड हो गया, फैनल हो गया, ये सारे फैब्रिक्स नाम से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे, इसकी पिक्चर भी ये सामने है। तो जब भी नेक्स्ट शॉपिंग करें प्रेफर CDGFT। परफेक्ट फिट से क्या मतलब है मेरा, आपको पहले ही बता चुका हूं एक्स्ट्रा टाइट कपड़े नहीं पहनने। लेकिन दूसरी गलती जो 90-95% लोग करते हैं वो है एक्स्ट्रा लूज ओवरसाइज कपड़े पहनना है। उनका एम ये होता है अपनी बॉडी को बेटर दिखाना, पतलापन छुपाना, बट गलती क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को डल दिखा रहे हैं, बहुत बोरिंग दिखा रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि बॉडी में जो एजीनेस है वो नहीं आती, आपके शोल्डर का कोई फ्रेम नहीं बन के आता, बिल्कुल लटके लटके कपड़े लगते हैं, आपकी बॉडी में जो कर्व्स है थोड़े बहुत, जैसे कि आपके हिप्स हो गए वो ऑलरेडी बहुत पतले हैं, लीन है, वो ऐसे कपड़े पहनने से बिल्कुल बॉडी फ्लैट लगती है, जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब आप करें तो करें क्या, परफेक्ट फिट क्या है आप लोगों के लिए, स्ट्रेट फिट इज गुड, एंड स्ट्रेट के साथ साथ आप ये भी पहन सकते हैं स्लिम फिट, विच इज वेरी गुड। बट स्लिम फिट और एक्स्ट्रा टाइट या स्किनी में बहुत डिफरेंस है। अगर आप स्लिम फिट पूछते हैं कैसे पहने, क्या परफेक्ट फिट है, तो शोल्डर आपके एग्जैक्टली यहां आने चाहिए, और अगर आप ट्राउजर पहन रहे हैं कोई या चीनो पहन रहे हैं तो वो शूज से सिर्फ 1 या 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड आप कभी भी पहने कोई भी स्लीव्स तो प्रेफर फुल स्लीव्स over any half sleeves या extra tight sleeves. कलर्स आर द गेम चेंजर्स। कैसे, जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे कि नेवी ब्लू, ब्लैक या ऑल ब्लैक्स आप पहनते हैं, वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको और पतला दिखाते हैं। आपको कलर्स पहनने जो लाइट है, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने व्हाइट पहन रखा है, इससे मैं और चौड़ा दिख रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, इतना ब्रॉड नहीं हूँ, बट इल्यूजनरी और थोड़ा चौड़ा दिख रहा हूँ। ऐसे व्हाइट, बेज, ग्रीन के लाइटर शेड, लाइट ब्लूज हो गए, आपको ये लाइट कलर प्रेफर करने हैं जो आपके फ्रेम को और बड़ा दिखाएंगे। पैडिंग या फ्रेम गिवर्स, ये क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज जिसके अंदर पैडिंग है
या एक आपका जो ऑलरेडी फ्रेम है उस फ्रेम को एक एक्स्ट्रा फ्रेम देता है और विड्थ देता है, चौड़ापन देता है, आपकी बॉडी को एनहांस करता है। वो चीजें ज्यादा पहनिए। वो क्या है, जैसे कि ब्लेजर के आपके शोल्डर में पैडिंग होती है, आपके शोल्डर और मोटे दिखाता है और कर्वी दिखाता है, ब्लेजर्स आर गुड फॉर यू। कुर्ता पहनिए, नेहरू जैकेट हो गया या कोई वेस्ट कोट्स हो गए या ऐसी कोई भी शर्ट जिसके चेस्ट पे पॉकेट होता है, आपकी चेस्ट में विथनेस और भारीपन लाते हैं ये चीजें। सो ये चीजें आप ज्यादा पहनिए। पैटर्न्स होते हैं जो आपकी बॉडी को निखार के लाते हैं, बेटर दिखाते हैं। वो क्या है जो आपको ज्यादा पहनने हैं, जैसे कि चेक्स हो गए, वो वॉल्यूम ऐड करेंगे, स्मॉल या मीडियम बॉक्सेस हो गए, माइक्रो गिंगम्स हो गए। ये है माइक्रो गिंगम क्या होता है। आप हॉरिजॉन्टल्स पहन सकते हैं, स्ट्राइप्स, लेकिन याद रखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप आपको चौड़ा दिखाएगा, वर्टिकल उल्टा काम करता है, तो वर्टिकल अवॉइड करिए। एक्सेसरीज बहुत चेंज ला सकता है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। बड़े डायल वाली वॉचेज है वो अवॉइड करिए, आपकी रिस्ट को पतला दिखाएगा। स्लीक वॉचेज पहनिए ऐसी, या आप क्या कर सकते हैं, बेल्ट है मोटे बकल वाली पहन लेते हैं, स्लिम और बेस्ट लगती है। ट्राई करिए मीडियम या स्लीक बेल्ट्स पहने, मोटी चेन्स एक्सेसरीज को अवॉइड करिए। शूज पहने तो बहुत चंकी मोटे मोटे शूज अवॉइड करिए, आप हाई पॉइंटेड जो शूज है वो अवॉइड करिए, पैरों को पतला दिखाता है। हाई टॉप या नॉर्मल स्नीकर्स पहनिए, वो ज्यादा आप पे बेटर लगेंगे। जब आप सनग्लासेस पहनते हैं मोटे मोटे सनग्लासेस अवॉइड करिए, वो ट्राई करिए जो आपकी आईज या आपके फेस के हिसाब से फिट हो, वो ज्यादा बेटर लगेगा एंड विल चेंज द गेम। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से स्किनी गाइस फैशन। अगर आपको मजा आया हो, इफेक्टिव टिप्स लगी हो तो लाइक करें, कमेंट मत करना भूलना नेक्स्ट टॉपिक का नाम। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।